हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइल प्लेस करने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और साथ साथ मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूंगा कि टाइल प्लेस करने के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए। और ये रूल्स उन्हीं के लिए हैं जो फ्रेशर साइट पे जाएगा, तो उसको कई चीज़ें नहीं पता होती कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। तो आपको मेरी वीडियो में हर एक वो पॉइंट मिलेगा जो कि एक फ्रेशर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्लस हमारे को अगर 1 और 2 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो गया है या 3 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसमें भी हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा इस वीडियो को देख के। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा मेरी वीडियो में, वो पॉइंट्स आपको पता नहीं कितने वीडियोस देखकर मिलेंगे। अलग अलग पॉइंट्स जो आप 4 5 वीडियो 6 7 वीडियो देखेंगे तब जाके आपको पूरा क्लियर होगा। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करूँगा कि हमारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए टाइल लगाने के लिए और टाइल प्लेस कैसे होगी। क्योंकि आप बुक में से पढ़ के जो बुक में से आप पढ़ेंगे वो तो आप हर एक इंजीनियर को पता ही होता है कि लेवल कितना होना चाहिए, मोर्टार मिक्स क्या होगा, वो तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन प्लेसमेंट कैसे होगी। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं और आप साइट पे जाएंगे टाइल प्लेस करवाएंगे, तो आपको कोई कह नहीं सकता हाँ भाई ये जो इंजीनियर आया है ये फ्रेशर है इसको काम नहीं आता। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्या आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करेगा, मैं आंसर देने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी आंसर प्रोवाइड करूँगा उसके। फ्लोर टाइल लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले तो हमारा जो फ्लोर होना चाहिए वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स हमें पूरा सरफेस जो हमारा होगा वो हमें क्लियर रखना होगा। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, कल यहाँ पे प्लास्टर मिक्स बना था, तो यहाँ पर इन्होंने आयरन शीट यूज़ नहीं की थी, तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पे जो ये देखिए जो हमने अभी हटाया है यहाँ से, ये आई थिंक 1 और 2 इंच जो प्लास्टर मिक्स था वो यहीं पे रह गया था, उसको हटाया है फ्लोर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि लेवल नहीं मिलेगा। हम वहाँ पे मोर्टार मिक्स ज़्यादा प्लेस करेंगे, यहाँ पे मोर्टार मिक्स नहीं आएगा। अगर हम तो मोर्टार मिक्स तो डालना पड़ेगा टाइल को अच्छे से प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है हमारा सरफेस क्लीन होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमें लेवल मार्किंग करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवलिंग ट्यूब। तो यहाँ पे वाटर लेवलिंग ट्यूब है, उसकी हेल्प से हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा मार्किंग लेवल है, ये जो एरो है। एंड अभी यहाँ पे हमने डेड स्लोप के लिए यहाँ पे टाइल प्लेस कर दी है, तो उसका मार्किंग लेवल ये रहा। जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है हमारा मोर्टार मिक्स होता है, तो उसकी थिकनेस 1 टू 2 इंचेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें ये मोर्टार मिक्स नहीं देना है। एंड जो रेशो होती है हमारी मोर्टार मिक्स की वो हमारी होगी 1:6 की, एंड ये 1:6 जो है वो है सीमेंट रेशो सैंड। एंड जो हमारा रूम होता है, जैसे अभी यहाँ पे हमारा ऑफिस बनेगा तो ये हमारा रूम के अंदर आएगा, तो इसका जो लेवल होता है ये डेड लेवल होता है। एंड जो हमारा जो ये हमारा बाथरूम होगा एंड ये हमारी किचन होगी, तो जो इनका जो लेवल होता है वो स्लोप लेवल में होता है, जहाँ पे हमारा अपने सीवेज जाएगा या फिर जो नाली जाएगी वहाँ पे हमें स्लोप देना होगा। एंड जो सीमेंट स्लरी भी हम यूज़ करेंगे, अभी ये जैसे हमने मोर्टार मिक्स करके इसके ऊपर टाइल प्लेस कर दी है, तो उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए हमें सीमेंट स्लरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसका जो रेशो होगा वो सीमेंट स्लरी हम जो बनाएंगे या तो वो हम इसमें बनाएंगे या फिर हम सीमेंट स्लरी हम इसमें बनाएंगे, जो उसका रेशो होता है 1:1 का होता है, सीमेंट एंड वाटर, सीमेंट वाटर रेशो जो होगा 1:1 का होगा। एंड अलग अलग मेथड होते हैं टाइल लगाने के लिए, जैसे या तो आप पूरे फ्लोर पे पहले मोर्टार मिक्स कवर कर दीजिए एंड उसके बाद टाइल प्लेस करते जाइए,
या फिर एक एरिया में हम 1 स्क्वायर फीट में या 2 स्क्वायर फीट में मोर्टार मिक्स प्लेस करके देन उसके ऊपर टाइल प्लेस कर देंगे। आज हम आपको टाइल लगाने के लिए बताएंगे, तो उसके लिए हमें पहले थ्रेड से अच्छे से दोनों साइड लेवल करना पड़ेगा, इस साइड भी लेवल करना होगा एंड थ्रेड से उस साइड भी लेवल करना होगा। तो उस टाइल की लेवल के लिए थ्रेड को हमें यहाँ पे एक पॉइंट पे लगाना है एंड वहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लगाना है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि टाइल लेवल में आए, इंक्लाइन नहीं चली जाए, इन हॉरिजॉन्टल लेवल जिसे हम कह सकते हैं टेढ़ी ना चली जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ से लेके वहाँ तक थ्रेड से मार्किंग करनी है। बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं, सो आफ्टर लेवलिंग हमारा जो प्लॉट है वो थोड़ा इंक्लाइन लेवल में है, तो जो हमारा फ्रंट होगा, फ्रंट को हमें स्ट्रेट, जो हमारी टाइल की जो स्ट्रेट जाएगा टाइल हमारा, लेकिन हमारे को यहाँ से टाइल कट करनी पड़ेगी, इस साइड से, यहाँ से और इस साइड से हमें टाइल कट करनी पड़ेगी। तो ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि हमारा प्लॉट गुनिया में नहीं है। गुनिया के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि एक गुनिया क्या होती है, यूज़ क्या होता है और गुनिया बनाई कैसे जाती है। एंड प्लॉट गुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो ये सामने से रोड जा रही है ये भी थोड़ा इसका जो जो आप देखेंगे ये जा रहा है, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा जो हमारा प्लॉट्स है यहाँ पे ये भी तिरछे हैं। तो हमें फ्रंट का फेस, जो हमारा फ्रंट का फेस जो आएगा, अगर वो लेवल में आएगा, आई मीन कि जो हमारी टाइल है वो स्ट्रेट दिखेगी, तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे हमारी जो टाइल होंगी वो हमें कटिंग देनी पड़ेगी एंड उस साइड भी हमें कटिंग देनी पड़ेगी। एंड जो मोर्टार मिक्स होता है टाइल के प्लेसमेंट के लिए वो 1 इंची से 2 इंची होना चाहिए, और जो इसका रेशो होता है हमारा 1:6 होगा, कि एक सीमेंट है तो 6 हमारा डस्ट होगा, सैंड होगा। एंड ये ज़्यादा वेट नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं वेट नहीं होगा ये। टाइल प्लेस करने से पहले हमेशा प्रॉपर याद रखें कि जो हमारा मोर्टार मिक्स आएगा उसको अच्छे से प्लेस करना है 1 or 2 inches से। नाउ वी आर प्लेसिंग आवर टाइल टू टेक अ लेवल फ्रॉम दिस कॉर्नर एंड आफ्टर प्लेसिंग इट वी विल प्लेस दिस टाइल एट दिस कॉर्नर to take our marking from this corner, and after placing the tile we will use this thread for marking full floor level from this point to that point. Now he is placing mortar to make a proper thickness all around the area. ये मोर्टार को अच्छे से प्लेस कर रहे हैं हर एरिया में, जैसे देखिए यहाँ से इन्होंने करके और मोर्टार प्लेस कर दिया वहाँ पे, मोर्टार मिक्स जो है सीमेंट और डस्ट का, इसको उन्होंने उस साइड प्लेस किया है अच्छे से, क्योंकि हमें जो पूरा लेवल चाहिए वो तो हमें बराबर चाहिए। सो उसके लिए इन्होंने और दोबारा मोर्टार यहाँ से उठा के यहाँ पर डाला है।
ये इन्होंने प्लेस कर दिया। एंड जो इन्होंने यहाँ से लेके अपनी मार्किंग करी थी वाटर ट्यूब से, तो ये तो अब उसको ये चेक कर रहे हैं कि जो लेवल यह है, जो हाइट हो गई तो वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए, ये दोबारा चेक कर रहे हैं अपने मेजरिंग टेप से कि जो हमारा लेवल है वो सही है या नहीं है। साफ रखना। एंड अब इन्होंने मेरा मेजरिंग टेप यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास उसमें वाटर लेवल है। एंड जो इनके पास मेजरिंग लेवल है वो वहाँ पे भी है। सो वी आर चेकिंग फ्रॉम दी बोथ मेजरिंग लेवल। सो जो देखिए, जो मेरे मेजरिंग टेप में जो वाटर लेवल है वो ये शो कर रहा है, एंड जो उनके मेजरिंग में है वो भी सेम शो कर रहा है। कि जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इक्वल नहीं है, और इनका मेजरिंग सेम, दोनों सेम बता रहे हैं। लेकिन जो मेजरिंग बबल शो कर रहा था वो शो कर रहा था कि इस साइड थोड़ा सा स्लोप है एंड इस साइड स्लोप नहीं है। सो तो उसके लिए अब इन्होंने दोबारा से मोटर मिक्स प्लेस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेजरिंग लेवल को चेक करना। इसमें आपका टाइम लगे तो लगा लें, क्योंकि हमारा जब स्लोप प्रॉपर होगा तभी हमारी टाइल पूरे रूम के अंदर स्लोप रहेगी, अच्छे से स्लोप में रहेगी। जो रूम में जो हमारा स्लोप होता है वो डेड स्लोप होता है। एंड इन किचन बाथरूम वहाँ पे हमारा स्लोप लेवल रहेगा। नाउ सी, आफ्टर आफ्टर जब हमने दोबारा मोटर में दोबारा डाला है, अब लेवल बिल्कुल परफेक्ट आएगा क्योंकि ये बबल देखिए बिल्कुल सेंटर में है। पहले जो बबल था वो थोड़ा इस साइड आ गया था, इसके अंदर भी थोड़ा इस साइड आ गया था, अब जो बबल है बिल्कुल सेंटर में है। एंड जो हमें हाइट चाहिए सीलिंग टू फिनिश फ्लोर लेवल, वो 9 फुट फीट 5 इंच हमें हाइट चाहिए। तो 9 फीट 5 इंचेस से हमारे एक्स्ट्रा ही आ रही है, तो अच्छा ही है हमारे लिए। ये वन मोर पॉइंट इज कि जो हमारी टाइल होती है उस टाइल के पीछे, हर एक टाइल के पीछे एरो साइन दे रखा होगा आपको, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि जैसे ये देखिए, ये आपको एरो साइन दिया हुआ है, ये आपको हर टाइल के बैक साइड पे मिलेगा। इससे क्या करते हैं हम, इससे हम फेसिंग देखते हैं कि जिस एरो साइड की फेसिंग से हमने टाइल प्लेस करने स्टार्ट कर दिया है तो उस एरो साइड की फेसिंग पर ही हमें यू टाइल लगानी पड़ेगी, तो जो उसका डिज़ाइन है वो अच्छे से प्लेस हो सके। एंड यहाँ पर आप देखिए कि जो इस टाइल का कॉर्नर है वो थोड़ा सा हल्का सा हट गया है, तो हमने इस टाइल को साइड में रख दिया बिकॉज क्योंकि जो हमारा एरो साइन था वो हमने उस साइड लिया है, और हमें यहाँ पे हल्की सी कटिंग चाहिए इसको स्ट्रेट लाने के लिए। तो दैट्स वाई उसको हम किसी और पॉइंट पर यूज़ कर लेंगे। जो हमारा एरो पॉइंट है वो हमने, सॉरी, जो हमारा एरो पॉइंट है वो हमने इस साइड लिया है, तो वो वहाँ पे कॉर्नर जो है वो थोड़ा हल्का सा झड़ गया है, तो हमको उसको वहीं प्लेस करना पड़ा और हमने ये वाली टाइल यूज़ कर ली है। वो टाइल हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे जब हम यहाँ पर फिनिश करने के लिए पहुँचेंगे, तो हमें यहाँ पे हल्की सी कटिंग चाहिएगी, तो उस कटिंग को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ऐसे कट करके, तो हमारी ये टाइल यूज़ हो जाएगी।